वेस वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी बान। एंड आज हम व्हाट्सएप का जो इशू मैंने पिछली बार सुशांत राजपूत केस पे जो वीडियो बनाई थी उसके बारे में बताया था, तो आज उसका हम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे कि कैसे हो सकता है वो। तो सीधा आप एक्सेस करो अपना व्हाट्सएप और सेटिंग्स में जाओ, और सेटिंग्स में जाने के लिए राइट टॉप कॉर्नर है। अब जैसे ही उसमें जाओगे उसके बाद चैट्स को ओपन करो, ये चैट्स आ जाएंगी। चैट्स में चैट बैकअप, तो यहाँ पे जितना भी बैकअप होता है आपके व्हाट्सएप अकाउंट का वो आता है। तो इसमें आप देख सकते हो कि इतना 318 MB ऑफ साइज़ का जो है बैकअप मेरा ऑलरेडी हो चुका है। और कब हुआ था लास्ट टाइम, 20 जुलाई 9:26 पर सुबह। और मैंने जो ऑन किया हुआ है वो रात को डेली होता है 2 बजे। तो अभी मैंने इसमें बैकअप नेवर किया हुआ है। इसमें और भी ऑप्शंस हैं, जैसे अगर आपके में मंथली होगा, वीकली होगा, डेली होगा, तो उस हिसाब से आपकी जो सेटिंग्स आपने पहले की होगी। बट आप इसको नेवर कर दोगे तो आपका जो भी चैट का बैकअप है वो नहीं होगा। अब इसका फ़ायदा ये है कि आपको आपके जो चैट्स हैं, एक वो जिस तरह से NCB ने रिकवर किए थे दीपिका और जया वाले केस में, उस तरह से नहीं होगा। पर नुकसान ये है कि आप अगर मान लो अपना शिफ्ट करना चाहते हो डेटा एक फ़ोन से दूसरे में, जैसा कि हम कई बार करते हैं कि अपना नंबर चेंज करते रहते हैं, अकाउंट चेंज करते रहते हैं व्हाट्सएप का, नया फ़ोन आता है तो नए में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो पर बैकअप आपका अगर सेव नहीं होगा तो आप डेटा ट्रांसफ़र नहीं कर पाओगे। आपको सब चीज़ें इनिशियली शुरू करनी पड़ेंगी। दूसरा, आप जैसे गूगल अकाउंट है, आप कोई भी अकाउंट अपना ऐड कर सकते हैं इसमें। अगर आपको नहीं चाहिए कि आपका जो डेटा है कौन से अकाउंट पे बैकअप करना क्रिएट करना चाहते हो, तो वो टोटली डिपेंड करता है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि कई और ऑप्शंस अवेलेबल हैं बैकअप ओवर का, कि आप बैकअप किस पे करना चाहते हो, वाईफाई डेटा पे, लाइक ब्रॉडबैंड पे यूज़ करोगे या फिर फ़ोन डेटा अगर यूज़ करना चाहते हो। और नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है इंक्लूड वीडियो का, तो 154 MB ऑफ डेटा आज जो मैंने शेयर किया है वो अभी अपलोड होना रह रहा है, वो दिखा रहा है। अगर मैं इसको बंद कर दूंगा तो वो वीडियोस अपलोड नहीं होंगे। तो दैट इज़ हाउ यू कैन लाइक बच सकते हैं आप NCB की चीज़ों से। एक तो चैट बैकअप का ही ऑप्शन है, और चैट हिस्ट्री जो है आप डिलीट कर सकते हैं सारी जितनी भी आपकी चैट्स हैं, आर्काइव जो जितनी भी चैट्स हैं वो आ जाएंगी अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहो तो। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं आप। एंड सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, प्राइवेसी का ऑप्शन अगर हम गए अकाउंट में गए, प्राइवेसी की आप सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं अपनी। तो लोकेशन अगर आप बंद करना चाहें, फिंगरप्रिंट लॉक हो गया, रीड रिसिप्ट से क्या होगा कि आप ना तो उनके मैसेजेस पढ़ पाओगे ना अपने पढ़ पाओगे, तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड सिक्योरिटी का ये ज़रूर ऑन रखें जो शो सिक्योरिटी नोटिफिकेशंस हैं, इससे क्या होगा कि आपका सिक्योरिटी कोड हर बार चेंज होता रहेगा। तो जैसे ही मतलब व्हाट्सएप अपने आप करता रहता है वो, तो थोड़े थोड़े टाइम के बाद वो सिक्योरिटी कोड अपने आप चेंज हो जाएगा। तो ये सेटिंग ज़रूर ऑन रखें इफ़ यू वांट टू बी सेफ। एंड टू स्टेप वेरिफिकेशन भी आप कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि एक तो आपका OTP फ़ोन से होगा, दूसरा एक और वेरिफिकेशन, तो एक के बजाय 2 ताले होंगे अलग अलग गेटों पे। तो जैसे आपके घर में एक गेट है और फिर एक बाहर गेट है, तो इस तरह से 2 वेरिफिकेशन होता है। आपको 2 बार वेरीफाई करने के बाद ही वो आपको अंदर आने देगा। तो ये सब चीज़ें हैं, आप ट्राई करके देखें एंड डू लेट मी नो कि आप कर पाते हैं नहीं। जो नहीं कर पाए, किसी को कुछ क्वेरीज हो प्लीज़ कमेंट करें एंड आई विल रिजॉल्व दोज क्वेरीज एज सून एज पॉसिबल। तो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। एंड इसी तरह से मैं और भी चीज़ें आपको बताता रहूँगा आपकी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।